ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेण तेन गन्तव्यं ब्रह्मगरमः समाधिनः। सुखदेव भगवान की योग महापुरुष नंद महाराज की योग शिविर के सत्र में ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर आदि सदाशिव भगवान महापुरुष रामलाल जी महाराज के श्री चरण कमल रज की कृपा स्वरूप हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस ब्रह्मांड के हीरे मोती उन्होंने हम लोगों के कान मंडल के और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों के अंदर के भाव और प्रेरणा से उनकी ललक से उन्होंने हम लोगों को दर्शनार्थ भेजे हैं, यहाँ बुलाया है तो जी अपने चरणों में बुलाए हैं। और उसी कड़ी में जैसा आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से हमारे बीच माता प्रहारी हुई हैं, आदरणीय पूज्य सीता माता जी के बारे में हम लोग जानते हैं और उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, तो इसके चरण कमल की बड़ी कृपा है कि कानपुर मंडल में उनका दर्शन प्रायः होता रहता है। और कैसे होता है देखिए किस स्वरूप में आता है, कानपुर मंडल का जो भाव है कि सभी को भाई बहन एक मंच पर इकट्ठा होकर अपनी कृपा से अपने श्री चरण कमलों की कृपा से हम लोगों को गौतम बोध करें। उसी श्रृंखला में हमारे बीच उनके श्री चरण कमलों के सन्निकट रहने वाले उनके सद शिष्य परम शिष्य हम लोगों के बीच दर्शन देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। माता सीता बहन के बारे में शायद हम लोग जानते हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है कि कुछ भाई लोग ना जानते हों। योगराज श्री नरसिंह मूर्ति जी की वह पुत्री हैं, इतना ही नहीं वह महात्मा योगिनी ऋषि देवी की के चरणों से गुरु जी के श्री चरणों में जुड़ी हैं, उनकी शिष्यत्व परमा गुरु जी अपने चरणों में महात्मा ऋषि देवी के द्वारा कराई। यह हमारा सौभाग्य है कि महात्मा ऋषि देवी का भी दर्शन आज इस उनके शिक्षण कमलों में हमें हुआ। इतना ही नहीं माता का योगी रोशन श्री चंद्रमोहन जी महाराज के शिक्षणों में कितना अनुराग है उनके शिक्षणों की, उनके ऊपर बड़ी कृपा है, क्या भाव है उनका। तो सारे जो आज योगी महापुरुष के जो परम शिष्य उनके शिक्षणों से जुड़े हुए कृपा पात्र हैं, उनके कृपा पात्र सदशिष्य, उनके कृपा पात्र इस लोक के अमर और इस लोक के सिद्ध गुरु जिनकी प्रेरणा जिनकी कृपा उनके ऊपर है, उनका दर्शन हमें हो रहा है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। और किस रूप में हो रहा है इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने अपने पैरों का ऑपरेशन भी कराया है, वह इतना भाव और इतने हम लोग के बीच अपनी कृपा देने के लिए आती हैं। इस उम्र में उनकी प्रोफेशन थी और रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन हम लोगों की उनके चरणों में जो निवेदन और भाव रहता है बस वो कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं होती, उनको किसी भी उसमें अकेले आने को तैयार नहीं। बहन ने छुट्टी लिया, बड़े मुश्किल से छुट्टी मिली, लेकिन कहे अगर आप नहीं जाओ तो मैं अकेले चली जाऊँगा। तो यह कृपा उनकी हम लोगों पर बड़ी माफी कृपा है कि वो दर्शन देती हैं उनके शिक्षणों में। ये मंडल की ओर से उपस्थित सभी साथियों को से अपनी सुविधाएं बहनों को साष्टांग नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं माता को। हमारे बीच इसी कड़ी में सिद्ध गुफा श्री स्वामी धाम से उपस्थित इस दिव्य सत्संग में इस समारोह में चार चांद बढ़ा रहे
पूर्वाचार्य आचार्य श्री दासलाल जी उपस्थित हैं, उनके श्री चरणों में हम लोगों का अभिनंदन और नमन है। उनके बारे में हम सब कुछ हम लोगों की सारी चीज़ें उनकी विविधता और उनकी उस स्वरूप के बारे में हम सब जानते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के आश्रम से, उस दिव्य आश्रम से पधारे हुए हमारे बीच आचार्य आदरणीय ब्रह्मचारी श्री देवेंद्र जी उपस्थित हैं, यहाँ इस आसन की इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। इसी कड़ी में गोवर्धन पीठ से आए हुए ब्रह्मचारी जी, जिनके बारे में हम लोग सतत और बार बार उनका दर्शन करते हैं, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जो हमारे बीच उपस्थित नहीं होते हैं, उनका हम नमन और वंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच में प्रभु जी के बड़े लाड़े गृहस्थ शिष्यों में हमारे बीच बैठे हैं हमारे बड़े गुरु भाई श्री चक्रवाण जी सिद्धि, गुरुदेव भगवान की बड़ी परम कृपा और उनके श्री चरण कमलों में उनके साथ अनेक अनुभूतियां हुई हैं, उनकी बड़ी कृपा रही है, वह भी हमारे इस सुंदर समारोह में जागरूकता बढ़ा रहे हैं और कुछ के श्री चरण कमलों की कृपा से हम लोगों को अपने अमृत दिवस का पान कराएंगे। आदरणीय श्री त्रिखा जी महाराज जी हमारे भी विचारमा इस समय उपस्थित हैं, वह सवाई आश्रम में इस समय अपना प्रवास कर रहे हैं, उनका प्रभु जी के श्री चरण कमलों में बहुत ही निवास रहा है, वह उनके साथ रहे हैं, उनकी कृपा उनके संग संग रहे हैं, उनकी कृपा का पूरा खेल, उनकी कृपा का बड़ा आनंद लिया है भाई जी ने, उनका भी अनुभव और उनकी कृपा का हम प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे। और इस तरह से हमारे बीच दो दिव्य मूर्तियाँ उपस्थित हैं, उनका हम सभी इस मंडप की ओर देव और सभी गुरु भाई बहनों की तरफ से बार बार नमन और अभिनंदन करते हुए प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, बार बार उनको अनुमत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह सत्र उनके शिक्षण कुलों में आरंभ होता है और जैसा कि आदेश हुआ है हम आदरणीय पूज्य माता जी से अनुरोध करेंगे कि अपने दो शब्द आशीर्वचन के रूप में हम लोगों को कृपा करके उसकी बरसात करें, अमृत बरसात करें, माता की कृपा हो। इन्हीं शब्दों के साथ यह कार्यक्रम आरंभ किया जाता है। उनकी से वचन भगवान की जय, परम पुरुषोत्तम भगवान की जय, योगराज वंशी चंदौली महाराज की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धर्म धाम की जय, साचे दरबार की जय। महाप्रभु जी का ये हिमालय से हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और परिज्ञान में जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो अभी सब कुछ उनके नजर में है। ऐसे दिव्य महान शक्तियों के संपर्क में सीधे सीधे हम सभी आत्माएं पुण्यात्मा जो यहाँ पर विद्यमान है, साधना के रूप साधक के रूप में, महात्मा के रूप में और दिव्य शक्तियों प्राप्त एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में, ये उन्हीं की शक्तियाँ हैं इस दिव्य कुल पर, जो उनका आशीर्वाद है इसी कारण से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और ये सुंदरतम समय और सुंदरतम कार्यक्रम इस जो आप जिसमें आपकी सहभाग सबके चरणों की सहभागिता है उसके लिए यह कानपुर का साधक मंडल
हृदय से करते है, आपके चरणों की वंदना करता है और कोशिश रमन करता है। और अगर किसी भी प्रकार की थोड़ा सा इसलिए मैं एक शब्द ये कह रहा हूँ कि हम इस सब जो इस सुंदरतम कार्यक्रम योग से संबंधित है, योग का ही सीधा है और सिद्ध योग का है, इसका कार्यक्रम संपन्न कराने में कितने सक्षम हैं ये हम अपने आप आकलन नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं सिद्ध की जो कृपा है, गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेवानंद भगवान की, सदाशिव भगवान की, ये उन्हीं कृपा से ये संभव हो सका है। हम क्षमा प्रार्थियों के चरणों में अपना पोषण नमन करते हुए आपके अंदर बैठे हुए उन सभी शक्तियों की, उन परमात्मा शक्ति की मैं नमन करता हूँ, बारम्बार नमन करता हूँ और प्रार्थना ही करता हूँ जो भी आशीर्वाद आप लोगों से मिलेगा वह हम लोगों के जीवन में एक परम शक्ति का कार्य करेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। इसी साथ शब्दों के साथ में आप सबको बारम्बार नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आपका सादर अभिनंदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप आशीर्वाद देने की कृपा करें। आदरणीय बहन जी और सभी उपस्थित मंच पर दिव्य विभूतियों और इस पंडाल में उपस्थित सभी साधक बंधुओं को, अपने गुरुओं को, अपने भाइयों को और बहनों को आदरणीय कही। तपमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि श्रीमद्गुरुं त्वं नमामि। वेदिकारूपेभ्यः सर्वेभ्यश्च मनसि ये परमात्मा वर्तते तेभ्य परमात्मेभ्यः सर्वदा नमस्कार कृत्वा मुखे मुखे सरस्वती इतिवत् सर्वे परमात्मस्वरूपिणः एव सरस्वती सभायै नमस्कारं कृत्वा किञ्चिदत्र वक्तुं प्रयत्नं करोमि। प्रयत्न नाम मेरा हिंदी भाषा तो मुश्किल है, भाषा तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बट स्पोकन प्रॉब्लम है तो भी सब लोग एक ही है ना। हिंदी तेलुगु पंजाबी सब बोलो मिला के प्रभु जी का आशीर्वाद है, वही वाक चले चलेगी तो मुझे कोई नहीं कुछ पर कोई गुरुत्व में गुरु आप ये सब बहुत बढ़िया है मुझे मुझसे ये महान पंडित है। मेरा सुना दिल्ली आश्रम पर उपनिषद पाठ हम प्रवचन करते थे, अच्छी तरह मैं सुना ये भी सब लोग ऐसे भाई विमूर्ति स्वरूप है वो साक्षात मूर्ति स्वरूप सर्वे क्या आत्मा ये भी कह जाते शक्ति 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 जीते करते थे ना। आशा जी ने गुरुवार है शक्ति का श्लोक करके उसका वर्णन शक्ति और प्रभु जी और भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है, ऊपर है उनका स्थान, गुरु स्थान कहाँ है ऊपर है। विश्वोत्पत्ति विनाश पालन कराह ब्रह्मेश विष्णुआदयः तेषामपि परिस्थिता किल पराशक्तिर्नियन्त्रीश्वरी। त्रिमूर्ति है ना, विष्णु ब्रह्म विष्णु महेश्वर
उनका ऊपर शक्ति है, विश्व उत्पत्ति विनाश वो त्रिमूर्ति है, उनका ऊपर कौन है, विश्व उत्पत्ति बिना विश्व उत्पत्ति कारक ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विश्व उत्पत्ति विश्वोत्पत्ति कारक व्यापकत्व पालन पालन सबको पालन करके विष्णु तमगुण प्रधान महादेव लय करके ये दिए हमको विश्वोत्पत्ति विनाश पालन कारक ब्रह्म ईश विष्णुआदय शक्ति का ऊपर गुरु स्थान है, उत्पत्ति विनाश पालन करा ब्रह्मेश विष्णुआदय तेषामपि परिस्थिता किल पराशक्तिर्नियन्त्रीश्वरी तस्यापि परिस्थितं परगुरोः तत्त्वं तु तत्त्वेश्वरं गुरुतत्त्वद्वये वन्दे सद्गुरुसार्वभौममनिशं श्रीरामलालप्रभुं तं सर्वेऽपि उपरि ये स्थिति है परमात्मा है ओ परमात्मा श्री रामलाल प्रभु जी है महाप्रभु जी है उनका नमस्कार करें और भी गुरु तत्व गुरु बहवः महात्मनः गुरवः है आदौ दक्षिण विग्रहो हयमुखो हंसो वशिष्ठादयः षड्वक्त्र सनकादयोऽथ कपिलो दत्त प्रभुः शङ्करः एते अन्येऽपि च नित्यसिद्धगुरवो यस्यावतारः पुरा दक्षिणामूर्ति यादव लक्ष्मी हयग्रीव अब आदव दक्षिणामूर्ति हंस वशिष्ठादय वशिष्ठ एक्सेट्रा वशिष्ठ वामदेव वाल्मीकि एक्सेट्रा और कपिल सांख्य वाले साक्षात विष्णु स्वरूप कपिल और हयग्रीव और दत्तात्रेय और शंकराचार्य जगद्गुरु ये सभी भी प्रभु जी का गौरव का अवतार प्रभु जी का इसलिए वंदे सद्गुरु सार्वभौम मनुष्यम श्री राम लाल प्रभु वो शक्ति ये गुरु तत्व तो मेरा पिताजी ने ध्यान में अनुभव कृत्वा लिखते शक्ति का शक्ति का प्रभु जी का अभेद श्रीमाता परमेश्वरी भगवती श्रीराजराजेश्वरी भक्तानाम अवनाय सद्गुरुतनुं धृत्वानुगृह्णात्यनुं श्रीमाता और राजराजेश्वरी आदि पराशक्ति अस्माकं कल्याण के लिए आज कलियुगे प्रभु जी का अवतार किया यही भावना है श्रीमाता परमेश्वरी भगवती श्रीराजराजेश्वरी भक्तानाम अवनाय भक्तानाम अस्माकं सर्वेषामपि अवनाय रक्षणाय रक्षित कलियुगे घोरे कलियुगे कलियुग घोर अधर्म धर्म एक पद में है अधर्म तीन पद में है ये घोरे कलियुगे यस्यावतार ये कलियुग कलियुग घोर में कलियुग में अस्माकं रक्षण के लिए केवल परमात्मा भगवती एवं परम रामलाल प्रभु जी का अवतार किया वंदे सद्गुरु सार्वभौम मनीषम श्री राम लाल प्रभु सो अतः अद्य ये परांबिका श्लोकम पठित्वा अहं गर्वामि मुझे परिचय तो ये दिया प्रभु जी का चंद्रमोहन जी महाराज का प्यारी बेटी है मेरा बड़ी बेटी मेरी बड़ी बेटी प्यारी बेटी उनका गोद में पालन पोषण किया ये क्या भी पर से लड़की में साक्षात ना करो इधर से प्रभु जी इधर से ऐसा
जो सब उनका उनका फोन में कभी भी कभी नींद आई है तो छोटे से उम्र में मेरा माता जी वह महाराज जी का पाला बाद में पड़ते वो समाधि आ गई लक्ष्मी समाधि आ गई ध्यान आ गई बेटी को ऐसा ऐसा प्यार प्यार बात करते हैं हमको तीन चलन है तीन बार में गर्भदीक्षा गर्भदीक्षा वो भी किया तीन अमरचों को चिल्ड्रन को भी अक्षाभ्यास भी महाराज जी हाथ से समय में किया ऐसा उनका कृपा से ये पकड़ना का शक्ति है इनका कृपा और कोई नहीं मेरा पिताजी नरसिंह योगी जी का बहुत प्यार है ये दोनों एक ही भौतिक में दो आत्मा स्वरूप में एक ही भेद नहीं ऐसा एक ही भाई बहन को ऐसे भाई छोटा छोटा भाई नरसिंह जी ना ये से करते बहुत प्यार करते प्रभु जी भी महाप्रभु जी रामलाल प्रभु जी भी सेवन मेंबर्स हो अरे सेवन महात्मा देव प्रधान प्रधान शिष्य सेवन है ना मुरकराज जी चंद्रमोहन जी और मेरा पिताजी और दोनों स्त्रियों महात्मा ऋषिदेव जी मेरा उनके साथ से हम अमृतसर में दीक्षा दिया द्रौपदी माता जी ये सब लोगों को भी प्रभु जी के मेरा पिताजी में बहुत प्यार है ये अक्रमंद है ये चोटी है ये इसे आया इसलिए इसलिए बहुत बहुत प्यार करते तथा वैसे महाराज जी भी महाराज मेरे जेठ पिताजी कहते थे पिताजी का जेठ हो इसलिए ऐसा आह्वान करते थे जेठ पिताजी जेठ उनका मेरा बड़ी बेटी मेरा बड़ा दादा उनके हाथ से पिला जाओ हर रोज समय में उनके हाथ से खाना और कुछ ऐसा और कुछ चाहिए ऐसा अत्यंत प्रेम है अत्यंत प्रेमास्पद है इसलिए अभी इतना दूर से तबीयत भी ठीक नहीं लास्ट मिनट में टिकट बुक किया था ऐसा अब प्रेम से वही प्रेम है इधर से तक आना है अभी एक श्लोक शंकराचार्य स्वामी जी सौंदर्य में कहता है वो बार बार कहते हैं प्रभु जी अलग महा महा भगवती परमेश्वरी अलग नहीं दोनों एक ही है बार बार यही भावना हमको दुर्गा दुर्गा देवी प्रभु जी सब एक ही है स्थान तो प्रभु जी के गुरु के स्थान तो ऊपर इसलिए गुरुभ्यो नमः मन संप्रदाय क्या है ट्रेडिशन गुरुभ्यो नमः गणेशाय नमः प्रथम नमस्कार गुरु को है गणेश के नहीं गणेश तो विघ्न कार्य प्रथम नमस्कार गणेश का तथा संप्रदाय आय विघ्नकारी पार्वती नंदन ईश्वर अनुराग से आता ये सब सब विघ्नेश का चरित्र कौन करेगा कौन कहते हैं गुरु का प्रथम प्रणाम हुआ विघ्नेश्वर का विनायक का प्रथम प्रणाम करना तो प्रश्न है तो वो विघ्नेश है वो विघ्नकारी है वो गणनाथ है ये सब विघ्न गणपति उपनिषद कौन कहा इसका कौन कहा है वो गुरु है सब विघ्नेश्वर से भी गुरु का स्थान ऊपर है ना इसलिए गुरुभ्यो नमः गणेशाय नमः महासरस्वती नमः ये मन ट्रेडिशन बच्चों का ऐसा ही करना है सो शंकराचार्य स्वामी का एक श्लोक करते थे शृंगाराग्रा कदितरजने कुत्सलपरा
सरोषा गंगायां गिरिश नयने विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्य जननी सखीषु स्मेरते मयि जननि दृष्टि सकरुणा। उनका करुणा प्रसंग यही आशय नवरस। आपको जानते हैं नवरस है ना, श्रृंग जुगुप्स वेर रस करुण रस भैति भयानक रस, ये नवरस है। नवरसो भी माता जी का आंख में नवरसो एक किसी प्रकार से वो करुणा रस प्रसन्न कदा अरे कब श्रृंगार रस प्रसन्न कब वेर रस कब भयानक रस बीभत्स रस बीभत्स तो स्थायी भव रस तो भयानक रस एवं तो एवं कथित आचार्य देवेन शिवे श्रृंगारार्द्रा परमेश्वर दृष्टि में इनका अंकों में पार्वतीज का अंकों में केवल श्रृंगार रस आर्द्रता श्रृंगार से ही पति दर्शन करना पतिव्रत स्त्री का लक्षण है। ये शिवे श्रृंगारार्द्रा तदितर जने शिव का भिन्न जने है और बहुत खुशों है ना, उनके बाद क्या है जुगुप्सा तिरस्कार। वो परमेश भक्ता के प्रति वो सौंदर्य हो सौंदर्यवान हो धनवान हो बलवान हो कोई हो किंतु ते सर्वे इतर पुरुषाः तिरस्करणीय है। श्रृंगार से प्राधान्यता बदल नास्ति, प्राधान्यता किंचित भी नास्ति। सर्वे भी शिव का एनेदर शिव का भिन्न पुरुषों में पार्वती जी का अंकों में क्या है शिवे श्रृंगाराद्रा तदितर जने जुगुप्सिता। शिवे श्रृंगाराद्रा तदितर जने उत्सन पर उत्सन अंटे जस्ट ले तिरस्कार भाव बस और कोई नहीं। शिवे श्रृंगाराद्रा तदितर जने।